हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मुंबई प्लस न्यूज़ और मैं हूँ सरफराज शेख। जैसे कि हम लोगों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लाइव चैनल चलाने के बाद लोगों के हमें कॉल आने लगे कि लोगों को किस तरीके से मदद मिली गई है। इसी तरीके से हम 10 बजे में आए हैं, एक यहाँ से भी हमें कॉल आया था और इनसे जानते हैं कि इन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से क्या मदद मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, ये सेक्टर डी लाइन रूम नंबर 18 में रहता हूँ। काम मैं प्लम्बर का काम करता हूँ और मेरा बाहर आना जाना सऊदी अरब से तालुक है, ज़्यादा आना जाना। छुट्टी में था, फिर मैं रमज़ान के महीने थे, ऐसे ही ATS वाले ने अचानक घर से मुझे उठा के ले गए थे और जूस आकर के थे सर, तो यहाँ के यहाँ भी इन्फॉर्म नहीं किए थे। अचानक इस तरह उठा के ले जाने से घर का माहौल भी एकदम ये हो गया था, बीवी घर में सब परेशान हो गए थे। इस वजह से फिर बाद में वो लोग उठा के ले गए। बाकी आगे का जो मामला है, अपने वाइफ जो है सही हिसाब से बताएंगे कितना क्या कौन मदद किया था PFI लोगों ने। आइए, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आप बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम हुई थी और क्या आप लोगों को परेशानी में आप लोगों की मदद किसने की थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मेरा नाम आसमा है और मैं चीता कैम्प में रहती हूँ। और आज से कुछ एक 1.5 साल पहले की बात है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बहुत ज़्यादा मेरे शौहर को सताया गया और इतना टॉर्चर किया गया कि हद ही नहीं उसकी। ज़हनी तनाव एकदम से ही वो हो गए थे कि किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, इतना उन पर प्रेशर डाला गया कि वो खुद को समझ ही नहीं रहे थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। किसी से बात नहीं कर पा रहे थे घर पर भी, और इतना हद से ज़्यादा टॉर्चर होने पे मैं अपने भाई को बताई मैंने। फ़ौरन ही जैसे वो लोग आए मेरे शौहर को उठाने के लिए, जैसे उठाकर लेकर गए तो फ़ौरन मैंने अपने भाई को बताई, तो भाई अपना PFI वालों को जैसे कि बताए, फेरोज़ बिस्ती है अपने चीता कैम्प में, उनको बताने पे वो लोग पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह PFI वाले की जो टीम थी, लीगल टीम, वो लोगों ने हमारे पीछे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक मेरे शौहर को इससे छुटकारा नहीं दिला देते, पूरा छुटकारा दिलाने के बाद ही उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि PFI जैसी टीम हमारे चीता कैम्प में आई है, हम सब भी इसका पुरजोश इन लोगों की ये मजम्मत करें और इनका साथ दें, भरपूर साथ दें और इनके साथ जुड़ जाए। इंशाल्लाह इन पे जुड़ने के बाद ही हमको असल हकीकत मालूम पड़ेगी कि क्या है, ये लोग क्या साथ दे रहे क्या नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिए हुए हैं, अब तक भी, जब से लेके अब तक भी बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिए हुए हैं PFI वालों ने। और हमारे ऊपर जितना भी सब लोग इसमें आके जुड़े हैं PFI में, हम लोग चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आके जुड़े हैं। इस जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम यहाँ पर आए थे यहाँ से लोगों से बात करें और इनकी जो परेशानी थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो लोगों ने मदद की थी, उसी तरीके से और भी बहुत से लोगों के कॉल आए हैं। हम आप लोगों को कंटिन्यू अपडेट देते रहेंगे इसी तरीके से कि किन लोगों को मदद मिली थी, क्योंकि लोगों का बहुत से लोगों का लाइव चैनल में सवाल था आप लोगों ने चीता कैम्प के लिए क्या किए हैं अब तक के। लोगों की ही ज़बानी सुनेंगे हम वो के लिए क्या क्या की है। आप देख रहे हैं मुंबई प्लस न्यूज़, सरफराज शेख के साथ कैमरामैन कादर हुसैन।